नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र आवास विकास मेराज बाबा मजार के निकट अज्ञात कारण से लगी आग ऊंची ऊंची आग की लपटों से सहमे लोग शनिवार रात करीब 10 बजे के करीब नौबस्ता आवास विकास स्थित मेराज बाबा मजार के पीछे कबाड़ की गोदाम में सिलेंडर फटने से लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया। इस गोदाम में आसाम के आकर रहने वाले और कबाड़ बिनकर जीवन यापन करने वाले 9 परिवारों की गृहस्थी को पूरी तरह जलाकर राख में तब्दील कर दिया। आज करीब 10 बजे लगी हुई थी। बार बार सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी 11:30 बजे आई। तब तक आग का विकराल रूप देखकर इलाकाई लोगों ने गड्ढों में भरे पानी और मिट्टी के द्वारा आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्लास्टिक के कबाड़ का गोदाम होने की वजह से आग अपना रौद्र रूप ले चुकी थी। फिलहाल अब दमकल की 3 गाड़ियों की वजह से आग पर काबू पा लिया गया है। इस भीषण अग्निकांड में अब्दुल सबूर, सफदर अली, नूर हुसैन, मोहिदुल रुखसान अली, रशर्दी जी, मोनी रुल सूरज, इन 9 लोगों की गृहस्थी लगभग खाक हो गई। ये सभी मूल रूप से आसाम के निवासी थे। कबाड़ का गोदाम मछरिया निवासी छोटेलाल गुप्ता का था। हम लोग तुरंत वहाँ से निकले। यहाँ पे जो है सर, आपको जाने के नीचे जो है बहुत जाम, दोनों तरफ जाम लगा हुआ था। यहाँ तो लोगों का कहना है 8 बजे आपको फोन मिला है, आप 9:30 बजे पहुँचे हैं। जानकारी क्या मिली थी आपको? अच्छा, और ये बताइए आपको जानकारी क्या मिली थी कि क्या घटना घटित हुई है, क्या जानकारी दी गई? ये बताया गया कि कबाड़ में आग लगी हुई है। कबाड़ की जो है चोरे जिसमें आग लगी हुई। तो कितनी की एक ही गाड़ी के लिए सूचना वहाँ से निकाली थी, और भी गाड़ियाँ निकली? सब निकली हुई गाड़ियाँ आ रही हैं। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ के लोगों देख के आपको लग रहा है कि एक गाड़ी से इसमें कंट्रोल किया जा सकता है अभी की जो कंडीशन है? नहीं हो सकता पाएगा ना। ठीक है, मेरा नाम आयमना खातून है। ये क्या घटना हुई, किस तरह से हुई? हम लोग भैया उधर से गैस सिलेंडर से आगे देखो लगे, हमको भैया पता नहीं चल रहा। तो ये बताइए, इसमें किसी जान का तो नुकसान नहीं हुआ? आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा भैया जितना भैया माल था पीछे की, उसका तो जल गया आप देखो, किसी का भैया नुकसान नहीं हुआ। आप लोग रहने वाले कहाँ की? हम लोग भैया बरबटा रोड देखो, हम लोग देखो रहे। तो आपको क्या लगता है, आग लगाई गई कि किससे लगी है? आग खुद ही देखो लग गया, किससे लगी है? तो आप ये मानिए सरकार की तरफ से चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से बात जाती है सरकार तक, तो आपको क्या चाहिए, आपका सरकार से कहना चाहेंगे? भैया क्या करें, गरीब आदमी हम लोग देखो भैया कूड़ा देखो बीनता है क्या, मेहनत करता है भैया, घर देखो कम से कम देखो भैया रहने, कम से कम भैया हम लोग रहने की जगह नहीं है इसलिए। अच्छा, ये बताइए आग लगने के बाद गाड़ी की, दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ आई कितनी देर में आई? फिर भी बता दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा? 2 घंटे बाद में आई। 2 घंटे बाद आई? 2 घंटे तक यहाँ के ग्रामीण लोगों ने यहाँ की आग बुझाई। आप लोगों की गृहस्थी में क्या क्या नुकसान हुआ है? कितना क्या नुकसान हुआ? मेरा तो नुकसान भैया कुछ भी नहीं हुआ, जितना तो हुआ भाई पीछे से हुआ। हम लोग कम से कम 20 लोग देखो झुग्गी में देखो भाई देखो रहने वाली है हम लोग जी, कम से कम भाई 3 लोग की भैया सबकी तो जी, इतना तक पैसा की माल भैया जल गया, क्या करना, गरीब आदमी हम लोग क्या करने बताओ। जलने में क्या करें, क्या क्या प्लास्टिक बोतल जो सब तो जल गए, माल जल गया। कुछ कैश वगैरह आपका कैश नगद पैसा कुछ जला है, गृहस्थी सामान नहीं? आपका पूरा व्यापार संबंधी भैया, मेरा मेहनत की पैसा भैया जल गया, देखो क्या करना बताओ, हम कहाँ जाएंगे बताओ, इतना साल से चलिए आप परेशान नहीं? कम से कम मेरा तो कम से कम 2-3 लाख माल देखो कम से कम। हम लोग से जहाँ तक हो सकेगा हमारे चैनल के माध्यम से वहाँ तक आपसे आपकी बात सरकार का।